चलिए अपना एनसीईआरटी और सीबीएसई का अगला टॉपिक देखते हैं, जो हिस्ट्री का चैप्टर टू जो अपना छोटा हुआ है उसे अपन कंटिन्यू करते हैं। ये पांचवा लेक्चर है, ठीक है, इससे पहले चार लेक्चर हो चुके हैं, ये पांचवा लेक्चर है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका क्या फ़र्क पड़ा और गांधी जी ने उसको क्यों बंद कर दिया। तो उसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया था अपने पास, चौरा चौरी इंसिडेंट। ये गोरखपुर का इंसिडेंट था जो 1992 में हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था, अब पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन यानी वहाँ के बाजार में एक पीसफुली प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें हमारे भारत के जो लोग थे, गोरखपुर के लोग थे, वह शांतिपूर्ण तरीके से उस प्रदर्शन को अंजाम दे रहे थे। परंतु ये बात अंग्रेज को पता चलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो अपने सैनिक को लेकर वहाँ जाती है और उन्हें मारती पीटती है और उन्हें गोली मार देती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो हमारे लोकल पुलिस यूज्ड टू लाठीचार्ज, वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है वो लाठीचार्ज करती है, जिसके दौरान बहुत सारे लोग और बड़े बड़े जो हमारे नेता है, लीडर लोग हैं, वो इस घटना में मारे जाते हैं। तो इससे पब्लिक काफ़ी नाराज हो जाती है और सम पीपल वेंट टू पुलिस स्टेशन एंड सेट इट ऑन फायर, और पब्लिक परेशान होती है गोरखपुर की, और वो जाती है थाने और थाने पर वह आग लगा देती है और वहाँ मार पिटाई करती है और साथ ही वह पुलिस वालों को भी मारती है और उनकी भी जान लेती है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये ड्यू टू बीच द पुलिस ऑफिसर वाज किल्ड, और पुलिस ऑफिसरों को भी भारतीय जनता और गोरखपुर के लोग मार देते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे बौखला जाती है और ये एक वायलेंट में आ जाता है, और महात्मा गांधी जी को बिल्कुल वायलेंट और हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वह छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर चोरा चोरी एक टॉपिक रह गया था जो अब कंप्लीट हुआ, और असहयोग आंदोलन जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब गांधी जी उसे स्टॉप कर देते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं। अब अगली हम देखते हैं कि अगली गांधी जी क्या सोचते हैं और फिर आगे आगे की क्या कार्रवाई होती है। तो महात्मा गांधी जी के दिमाग में आता है टुवर्ड द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट, उनके दिमाग में आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि टुवर्ड द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को वो अब स्टार्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसके अंतर्गत वो क्या क्या करना चाह रहे हैं महात्मा गांधी जी, जैसे गांधी जी अंडरस्टूड दैट बिफोर एनी मास स्ट्रगल, उन्होंने जब शौकत अली और इनके साथ मिलकर एनसीएम को अंजाम देना चाहा, परंतु एनसीएम अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सफल नहीं हुआ, वो बंद हो गए, तो इन्होंने कुछ कमियां पाई महात्मा गांधी जी ने, अरे यार हमारे द्वारा जो एनसीएम चलाया गया है वो बंद क्यों हुआ। तो वो समझ गए, वो अंडरस्टूड हो गए कि अरे यार एक बहुत बड़ा मास पैदा करने के लिए, संगठन बनाने के लिए और सब में एकता पैदा करने के लिए यूनिटी की ज़रूरत है। हम लोग के पास यूनिटी नहीं है, हमारी सोच एक जैसी नहीं है, और अलग हमें कैसे स्ट्रगल करना चाहिए, हमें कैसे सत्याग्रह करना चाहिए, कैसे मूवमेंट को करना चाहिए, इसका कोई तौर तरीका भारत के लोगों को नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अब यहाँ पर डिसऑबिडेंस मूवमेंट जो था, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, और पीपल मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेनेड सो दैट पीपल डू नॉट मिस इंटरप्रेट द मूवमेंट। अर्थात उन्होंने कहा कि अब हम सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट चलाएंगे, जिसके तहत हम लोगों को पहले से ट्रेन करेंगे कि उन्हें स्ट्रगल कैसे करना है, उन्हें सत्याग्रह में कैसे भाग लेना है और कैसी रैलीज निकालना है और किस हिसाब से काम करना है। तो आगे भी महात्मा गांधी जी ने सम कांग्रेस लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल एज दे फेल्ट इट वुड इजी टू अपोज ब्रिटिश पुलिस विद इन द काउंसिल। अर्थात जब महात्मा गांधी ने कहा कि हम सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट चलाएंगे, अर्थात इसे सीडीएम कहेंगे शॉर्टकट में, तो कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े लीडर्स ने इस सीडीएम में उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस लीडर थे और चुनाव पास में थे, तो वो ये चाह रहे थे कि अगर चुनाव हो जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम फिर से रिफॉर्म करेंगे और फिर से सुधार करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपोज हम राजनीतिक तरीके से होंगे और अंग्रेजों को नियम कानून से फिर उसमें संशोधन करके देश छोड़ने के लिए कहेंगे। तो उनकी ये सोच थी लीडर्स की।
तो आगे इसीलिए कि कांग्रेस के कुछ लीडरों ने सीडीएम में साथ नहीं दिया महात्मा गांधी का। आगे फिर सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी फॉर्म 1 जनवरी 2023। अब क्या हुआ उसके बाद भी आप देखिएगा सम कांग्रेस लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, क्योंकि जो कुछ लोग थे वो कांग्रेस पार्टी में चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एनसीएम में ये सीडीएम में हिस्सा नहीं लिया। फिर क्या हुआ कि सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बनाना चाहते थे, उन्होंने दो नेता उभर कर आए, एक मोतीलाल जी और सी आर दास, इन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया 1 जनवरी 1923 में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आर नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए स्वराज पार्टी में, क्योंकि वो कहते थे कि इतनी छोटी मोटी पार्टी बनाने से कोई मतलब नहीं होगा, इससे देश को कोई आज़ादी नहीं मिलेगी, कुछ करना है तो कुछ बड़ा करो, अर्थात हम कुछ बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं जिससे देश जल्द से जल्द आज़ाद हो, इसीलिए उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नॉट पार्टिसिपेट इन सीडीएम, इन स्वराज पार्टी में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। आगे फिर देखते हैं जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसके टू फैक्टर्स दैट सेव अर्थात इंप्रूव इंडियन पॉलिटिक्स, जब ये सीडीएम हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, सीडीएम मूवमेंट के बारे में बात चल रही थी, स्टार्टिंग की बात चल रही थी, इसके दो फैक्टर्स हमारे सामने आए जो हमारे देश के लिए अच्छे थे और महात्मा गांधी को एक ऑप्शन से यहाँ पर मिला। सबसे पहले तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में हुआ, इसका बैड इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स पर पड़ा, एग्रीकल्चर पर पड़ा, इससे एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगन टू फॉल, इससे खेती के जो प्रोडक्ट थे गुड्स थे उनके दाम बहुत जल्दी से गिरे। अगला एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन, और जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाता था क्योंकि मालिक नहीं बन पाता था। अगला फिर पीजेंट्स नॉट सेल टू क्रॉप्स, और पीजेंट्स ने भी क्रॉप्स को सेल करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था विदेशों में। और फिर अनेबल टू पे टैक्स, क्योंकि किसानों अब जब किसान फसलें नहीं बेच पाते थे उनके पास पैसा ही नहीं आता था तो वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दे पाते थे। एक तो ये फैक्टर्स ने बुरी तरह प्रभावित किया हमारी इंडियन इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, तो महात्मा गांधी ने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को पढ़ा, समझा, इससे अंडरस्टूड हुए, और इसके लिए महात्मा गांधी के लिए एक बेनिफिट साबित हुआ कि अब किसान को अपने तरफ कर लो और आंदोलन फिर से चालू करो। फिर सेकेंड था साइमन कमीशन, उस समय ब्रिटेन फॉर्म टरी गवर्नमेंट, ब्रिटेन ने एक गवर्नमेंट फॉर्म करी थी जिसका नाम था टॉरी गवर्नमेंट, इसे 1927 में ये कमीशन पास हुआ। इस कमीशन को दिस कमीशन वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, इसे सर जॉन साइमन ने पास किया था, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन रख दिया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिव्यू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट सम चेंजेस, अर्थात सर उस समय भारतीय जनता जो थी वो अंग्रेजों पर बौखलाई हुई थी और जगह जगह नारेबाज और अनेक प्रकार की अनचाही घटना को वो अंजाम दे रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे डर गई थी, इसलिए साइमन कमीशन उन्होंने बनाया और कहा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कुछ चेंज करेंगे, कुछ सुधार करेंगे। इस प्रकार इन्होंने साइमन कमीशन को बनाया, परंतु साइमन कमीशन को जब इन्होंने बनाई तो पूरे 7 मेंबर जो थे वह पूरे अंग्रेज थे, तो भारतीय लोगों ने और कांग्रेस लीडर्स ने कुछ लीडर अच्छे नेताओं ने ये बात उनको बुरी लगी और महात्मा गांधी को भी ये बात बुरी लगी कि 7 के 7 मेंबर जो है साइमन कमीशन में वो अंग्रेजी हैं, एक भी उसमें इंडियंस नहीं है, तो इन लोगों ने उसका विरोध करना चालू कर दिया कि गो बैक साइमन, अर्थात यह काला कानून है, साइमन भारत से बाहर जाओ, इस प्रकार के नारे इन्होंने लगाए, क्योंकि वो जो साइमन था वो इंडिया के लिए खतरनाक साबित होने जा रहा था, और उस साइमन के आड़ में ब्रिटिश गवर्नमेंट और शोषण और तकलीफ दुख पहुंचाती कि इसको इंडियन पीपल को, इसलिए महात्मा गांधी ने इस बात को समझी और लोगों के साथ मिलकर गो बैक साइमन के नारे लगाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा तुम्हें साइमन कमीशन वापस लेना पड़ेगा। तो आगे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, 7 मेंबर्स थे आपके, ब्रिटिश इंडियन कोई भी नहीं था,
तो कमीशन अराइव इन इंडिया 1928। जब 1928 में ये कमीशन हमारे भारत में आया तो लोग ग्रीडी विद स्लोगन, तो लोग इसके खिलाफ हो गए और उन्होंने नारे लगाए साइमन गो बैक, अर्थात ये काला कानून है ये नहीं चलेगा, साइमन तुम अपने घर वापस जाओ। फिर आगे फिर यहाँ पर इस चीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखे कि बहुत अफरा तफरी मच रही है, नारे हो रहे हैं, शांति भंग हो रही है, तो वहाँ पर अंग्रेज एक था लॉर्ड इरविन वायसराय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, इन्होंने गिव्स टू ऑफर्स टू कंट्रोल सिचुएशन। जब चारों तरफ अफरा तफरी मच गई तो इस आपातकालीन स्थिति को और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने भारतीयों को दो ऑफर दिए। नंबर वन ऑफर उन्होंने दिया कि ऑफर टू डोमिनेंट स्टेट्स फॉर इंडिया, अर्थात तुम डोमिनेंट्स हो जाओ, डोमिनियन स्टेट्स बना लो, अर्थात इसका मतलब ये था कि ठीक है राज तुम्हें करना, सब कुछ करना, परंतु जो भी पॉलिसीज बनेंगी इंडिया में वो हम लोग देखेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बनाएंगे, संविधान हम बनाएंगे और मैन संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की बागडोर है वो हमारे हाथ में रहेगी, बाकी राज आप ही करना, सब कुछ आप करना, परंतु उसमें बड़े बड़े फैसले हम लेंगे। ये गलत बात थी, क्यों? क्योंकि जब पूरा ही अधिकार और पावर अगर ब्रिटिश का रहेगा तो शायद वो कभी भी नियम बदल सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरा यहाँ पर दिया गया अराउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अराउंड टेबल कन्फर्मेंस टेबल कॉन्फ्रेंस जो भी होगी, जो भी कन्फर्म यहाँ पर जो भी इन लोग आपस में क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या करेंगे, अराउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होती थी, तो इसमें अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार का बदलाव संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ऐसा पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस साइमन एक्ट के अंतर्गत चाह रही थी। तो ये भारतीयों को बुरा लगा और भारतीयों ने इसका विरोध किया। फिर आगे बट कांग्रेस लीडर्स नॉट सेटिस्फाई स्पेशली रेडिकल्स, परंतु इस नियम से और संविधान से और इस कमीशन से भारतीय जनता और भारत के लीडर्स खुश नहीं थे, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस से नो वी नीड फुल इंडिपेंडेंस, तो इससे हमें कोई पूरी स्वतंत्रता नहीं मिली है, अर्थात हम इसके खिलाफ हैं, अर्थात साइमन कमीशन हमें क्या कर रहा है, हमें चूतिया बना रहा है और हमें थोड़ा सा पावर दे रहा है, थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रहा है कि हम जैसे चाहे वैसे राज कर सकते हैं, परंतु जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के नियम और कानून होंगे वो किसके हाथ में रहेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो सिंपल सी बात है, कल को ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्स को चेंज कर देगी और हमारे खिलाफ अपोज हो जाएगी और हमको फिर से दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये बिल्कुल नहीं चलेगा, हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, ये आधा अधूरा और थोड़ा सा स्वराज नहीं चाहते, हम स्वतंत्रता पूरी चाहते हैं, पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं, ना कि थोड़ी सी स्वतंत्रता। और भारत के लोग और ये लीडर्स लोग इसके अगेंस्ट हो गए और साइमन कमीशन को बंद कर दिया गया। फिर आगे हम देखते हैं इन दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन, जो कि लाहौर में एक कांग्रेस अधिवेशन बना जिसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने वहां पर घोषणा करी, वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया और ऑफिशियली उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि अब हम आने वाली ठीक है अब हम पूर्ण स्वराज को मानेंगे और अनाउंस्ड 26 जनवरी 1930 को उन्होंने अनाउंस किया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस सेशन के क्या बन गए थे, अध्यक्ष, उन्होंने थोड़ी सी जीत हासिल कर ली थी, इसीलिए उन्होंने ये कमिटमेंट किया कि अब हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, वी विल सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे, और हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। परंतु भारत की पब्लिक ने, भारतीय लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में इसको अटेंशन नहीं मिला, इस अधिवेशन को और इस घोषणा को, तो काफ़ी लोग इससे ज्वाइंट नहीं हुए, कम से कम लोग इससे ज्वाइंट हुए, जिसके चलते ये अधिवेशन में जो कमिटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक्टिव ही नहीं हो पाया, क्योंकि लोग उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन में नहीं हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ नहीं पाए। तो फिर महात्मा गांधी ने आगे क्या किया, आगे देखते हैं द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अरे यार अब तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अब हम साल्ट मार्च करेंगे।
और सॉल्ट मार्च के अंतर्गत दांडी यात्रा करेंगे और दांडी मार्च करके नमक तोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी समझ गए थे कि भारत देश में कोई भी एक्टिविटीज इसलिए सफल नहीं हो पा रही है लोगों की, क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं है। तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च के अंतर्गत सॉल्ट मार्च चालू किया ताकि लोगों में क्या पैदा हो जाए, यूनिटी पैदा हो जाए और हम इस मूवमेंट को बड़े तौर पर कर सकें। और उन्होंने सोचा कि अब हम सॉल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सॉल्ट मार्च ही क्यों करेंगे, क्योंकि उसके कुछ रीजन थे। पहला रीजन, सॉल्ट कंज्यूम एवरीवन रिच एंड पुअर लाइक, भारत के पूरे लोग चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई नमक का इस्तेमाल करता है। तो जब हम नमक तोड़ो आंदोलन चालू करेंगे तो जनता हमारे फेवर में आएगी और वो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के दुष्परिणामों को समझेगी कि ये हमारा ये शोषण कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने इसको सेलेक्ट किया कि सॉल्ट मार्च करेंगे। दूसरा, चेंज हाई टैक्स ऑन सॉल्ट, क्योंकि नमक हमारा हमारे देश में बन रहा है, नमक हमारे देश में बन रहा है, हमें उसे यूज कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, तो ये बेईमानी है। तो सेकंड रीज़न ये भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलती थी नमक पे भारतीयों से। फिर अगला तीसरा, अब हम देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली मतलब एकाधिकार कर लिया था सॉल्ट प्रोडक्शन में। यूँ तो हमारे भारत में ही नमक बनता था, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसने कब्जा कर लिया था और हमसे ज़्यादा टैक्स वसूलती थी और महंगी कीमत पे नमक देती थी। तो महात्मा गांधी ने सोचा ये तीन कारण हैं, ये बहुत ही अच्छे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए हम सॉल्ट मार्च चालू करेंगे, क्योंकि सॉल्ट मार्च से हर बंदा जुड़ा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया और स्टार्ट किया। 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी रोट लेटर टू वायसराय इरविन एंड पुट्स 11 डिमांड इन लेटर। अर्थात महात्मा गांधी को मौका मिला, उन्होंने सॉल्ट मार्च की प्लानिंग बनाई और सीडीएम की भी प्लानिंग बनाई, अर्थात सीडीएम सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट की भी प्लानिंग बनाई। और जो लॉर्ड इरविन था, जो वायसराय था, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उसको एक खत लिख दिया और खत में उन्होंने कहा कि ये हमारी 11 शर्तें हैं, अगर ये 11 शर्तें इतने दिन तक नहीं मानी गई तो हम बहुत बड़ी मात्रा में सीडीएम करेंगे। ऐसा खत में लिखकर महात्मा गांधी ने वायसराय के पास पहुँचा दिया, परंतु लॉर्ड इरविन एबॉलिशनिस्ट डिमांड, उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया, अवॉइड कर दिया। क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, कोई फर्क इरविन लॉर्ड इरविन पर इसका नहीं पड़ा। तो महात्मा गांधी जी और क्रोध में आ गए और भारत के लोग क्रोध में आ गए, कोई जवाब नहीं मिला हमें। ठीक है, तो फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया दांडी मार्च के लिए और महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया नमक तोड़ो कानून आंदोलन, अर्थात नमक